रोहड़ू में पिछले एक वर्ष से निर्माणाधीन बखिरना पुल बुधवार को 3 बजे के आसपास ढह गया। शुक्र है कि उस समय पुल पर कोई कामकाज नहीं चल रहा था, इसीलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब तक इस पुल पर 12 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके थे। पुल का कुल बजट 15 करोड़ 85 लाख रुपए है। लोक निर्माण विभाग के मुताबिक ये गलत डिजाइनिंग की वजह से ढह गया। रोहड़ू में निर्माणाधीन बखिरना पुल अचानक ढह गया। पिछले एक साल से बन रहे इस पुल का निर्माण रोहड़ू को भारी जाम से निजात दिलाने के लिए किया जा रहा था। ये रोहड़ू मंदहली बाईपास सड़क पर रोहड़ू न्यू बस स्टैंड के पास बन रहा था। अब तक इस पर 12 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके थे व 90% काम खत्म भी हो चुका था। दिन में अचानक ये पुल गिर गया। लोगों को इस पुल के बनने से काफी उम्मीदें थी। पुल की लंबाई 96 मीटर थी, इसमें से 66 मीटर पुल ढह गया। लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता ने आशंका जताई है कि इस पुल का डिजाइन सही नहीं था, बाकी इसकी जांच के बाद ही सही पता चल पाएगा। और लगता है कि भी इसमें कोई डिजाइन फेलियर का मुझे डिजाइन फेलियर हो सकता है, बट इसमें इंक्वायरी होने के बाद ही इसका जो मतलब एक्चुअल फेलियर का कारण किस तरह का डिजाइन फेलियर लगा डिजाइन फेलियर का होता है कि स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए कितना सरिया क्या कितना बनना चाहिए उस हिसाब से होता है। केबलें कैसे बननी है, क्या बनना है, कितनी बननी है, वो उसका पार्ट होता है। और उसे जो हमारे को डिजाइन अप्रूव होके आता है हम उसी आधार पर काम करते हैं। डीएसपी रोहड़ू सुनील नेगी ने कहा कि वे इस पुल की जांच करके जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। तो बखिरना पुल के नाम से जाना जाता है, जो रोहड़ू को इधर से जो बखिरना से जोड़ता है, तो जहाँ से बाईपास भी बनना था, ये निर्माणाधीन था और इसका जो दो पार्ट्स में बना है ये पुल, इसकी लंबाई जो है 96 मीटर है बताई गई है, जिसमें से कि जो फर्स्ट पार्ट है 30 मीटर वो इंटैक्ट है, लेकिन जो इसका सेकेंड पार्ट है 66 मीटर वो जो है किसी कारणवश जो है आज ये कोलैप्स हो गया है, नीचे ये ढह गया है। और सौभाग्यवश जो है यहाँ पे कोई अभी कोई ऐसी गतिविधि नहीं थी, तो जो है थैंकफुली कोई ऐसी हादसा नहीं हुआ है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जानी नुकसान किसी का नहीं हुआ है। और बाकी जो है ये अभी कर रहे हैं इसकी, इसमें इस विषय में जो है अभी इसकी हम अभी सरसरी जो है पूछताछ कर रहे हैं, और जैसे भी आगे जो भी इसमें कार्रवाई बनती है वो नियमानुसार की जाएगी। इसमें सिटी चैनल के लिए रोहड़ू से प्रदीप राही की रिपोर्ट।